हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम बनेंगे दिवाली के लिए डेकोरेशन लाइट, तो इसका नया टेस्ट देखेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छी, इसका ब्रांड नेम से बहुत ही कलरफुल है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंट्रो हो चुका खत्म। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 पीस LED। ये 12 वोल्ट में वर्क होती है, तो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। यह ब्लू, ऑरेंज, येलो और यह ग्रीन। तो वीडियो चलेगी लाइक करना। ये 2.4 वाट के गाइस आप देख सकते हो, ये 12 वोल्ट में वर्क करती है ये सब LED। तो आपको ये लोकल मार्केट में 10 से 12 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमारा 4 पीस हो चुका है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक सीट और एक लेड कंपास, इसको ऐसे मार्क करेंगे और राउंड शेप में हम इसको ड्रॉ कर देंगे और इसको हम काट करेंगे। तो मेरे पास पहले से बहुत सारी थी, तो मैं इसको नहीं काट करूँगा। तो गाइस देख सकते हो 4 पीस मेरे पास ऑलरेडी है, पुराना है, आप यूज़ कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये इसको हम नहीं काटेंगे, साइड करेंगे इसको। तो गाइस देख सकते हो 4 पीस है मेरे पास, एक बड़ा, 2, 3 छोटा। तो ये हमारा हो चुका है। तो हम एक एक करके LED को लेंगे और जो पीछे का कवर है इसको हटाएंगे। तो ये गाइस ये वाला कवर को हटाएंगे और इसको LED को यहाँ पर चिपका देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो देख सकते हो ये हो चुका है। ऐसे करके हम तीनों को ही लगा लेंगे फटाफट। तो ये भी हम कर दिया। और एक लास्ट है ब्लू, इसको हम लगा देंगे। तो हम इसको एकदम मिडिल में लगाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो 4 पीस बहुत अच्छे से कूल दिख रही है। LED का जो रेड वायर है वो पॉजिटिव और वाइट वायर नेगेटिव, तो आपको आसानी से दिखने लगेगी, उसके ऊपर लिखा भी होगी। अब हम लेंगे पुराना LED, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लेंगे। तो मेरे पास 4 है पहले से ही। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 4 है, 2 में होल किया है, 2 में नहीं होल किया। आप चाहो तो होल भी कर सकते हो और इसको ऐसे फिट करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर और फेविक्विक के द्वारा भी चिपका देंगे। आप चाहो तो ग्लू गन और कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको फटाफट चिपका लूँगा एक एक करके। ये 2 हो चुका है, ये 3 भी हो चुका है और लास्ट हमारा येलो बचा है, ये 4, ये हो चुका है। तो मैं इसको फटाफट चिपका लूँगा। तो आज देख सकते हो मैं इसको डबल टेप के द्वारा चिपकाया हूँ, 3 कॉर्नर में दे दिया हूँ और ये आसान से चिपक गया। तो ऐसे करके मैं फिलहाल सारा कोई चिपका लिया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस देख सकते हो यह हो चुका है हमारा। आप चाहो तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम लेंगे कटर और वायर को हम आसानी से छील लेंगे ऐसे करके, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको फिर ऐसे ही कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है, जैसे मैं किया हूँ आपको भी ऐसे कर लेना। तो अब हम लेंगे वायर कुछ इस प्रकार से। तो मैं थोड़ा बड़ा वायर लिया हूँ, वायर को थोड़ा लॉन्ग रखा हूँ, क्योंकि हम इसको जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसको छील लूँगा। ये वाला है पॉजिटिव और ब्लू है नेगेटिव, तो हम इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, रेड को रेड के साथ और वाइट को वाइट के साथ। रेड है पॉजिटिव, वाइट है नेगेटिव। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे और फाइबर स्लिप के द्वारा कवर कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा फाइबर स्लिप मैं बहुत सारे कट कर लिया हूँ और पेस्ट लगाएंगे और आसानी से सोल्डिंग कर देंगे सोल्डर के द्वारा। तो हमारा हो चुका है। अब हम इसको अंदर फाइबर स्लिप को देंगे। तो वायर से निकाल लेंगे फाइबर स्लिप को ऐसे करके यहाँ पर अटक, तो ये लगा देंगे। तो हम ऐसे करके सारे कर लेंगे। तो वीडियो चलेगी लाइक करना। तो ऐसे देख सकते हो मैं इसको कंप्लीट कर लिया हूँ और सारा कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से किया हूँ। तो अब ये फाइबर स्लिप भी लगा दिया हूँ, प्रोटेक्शन भी बहुत ही अच्छी है। अब हम इसको देंगे 12 वोल्ट देंगे DC, तो इसको टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसे देख सकते हो इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ, LED को ऐसे करके रखा हूँ हमारे पेड के ऊपर। और इसको चलाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई जो मेरा बनाया है। तो वैसे देख सकते हो ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है। तो वैसे बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है, बहुत ही कूल दिख रही है और जहर दिख रही है, क्या बताऊँ दोस्तों। इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कूल है और एक अलग लेवल का ही इसका जो ब्राइटनेस है। तो वैसे देख सकते हो ये एक रूम के लिए काफ़ी है और आप इसको घर के बाहर भी लगा सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो कैसे लगे कमेंट भी जरूर कर देना, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और रूम को बहुत ही कूल और अच्छे से डेकोरेट कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। आप इसको घर पर जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।